रेडी है दादी, एकदम रेडी। हाँ सारी तैयारी हो गई है। नहीं आज हम बनाते हैं मूली के परोठे। मूली का पराठा बनाने के लिए हमें 20 से 25 मिनट का टाइम चाहिए। स्वाद तो अच्छा रहता है, हमें तो अच्छा लगता है। अभी आपको अच्छा लगता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन खाने में बहुत अच्छे रहते हैं। और अभी तो मूली भी अच्छी आती है, अभी तो ठंडी का सीजन है, मूली वूली सब अच्छी आती है, एकदम फ्रेश आती है। जरूर जरूर, क्यों नहीं। हेलो, हाउ आर यू, कैसे हो आप, मजे में हो ना? मैं भी मजे में हूँ। तो चलो हम आज क्या बनाएंगे, अभी तो ठंडी का सीजन भी चल रहा है, तो चलो आज हम बनाएंगे गर्मा गर्म मूली के पराठे। मूली के पराठे बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ तो चलो बनाते हैं मूली के परोठे। मूली के पराठे बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, तो ये हमने लिए दो मूली, ये हमने लिया है गेहूं का आटा, ये हल्दी पाउडर, ये धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये लिया है नमक, ये गरम मसाला, ये आमचूर पाउडर, ये हमने ली है हींग, ये कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ अदरक, और ये हमने लिए बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और हमने लिए है ये कोथमीर, और तेल तो हमें जरूरी ही है। तो हमने मूली तो ले ली है, अब हमें क्या करना है, मूली के छिलके निकाल लेने हैं। पहले आपके पास पीलर है तो आप पीलर से भी निकाल सकते हैं, छुरी से भी निकाल सकते हैं, आपको जैसे जमेगा वैसा आप कर सकते हैं। इसी तरह हमने सारी मूली के छिलके निकाल देने हैं। हाँ तो हमने सब मूली के छिलके निकाल दिए हैं, अभी हमें इसे किस लेना है, तो हम इस सारी मूली को किस लेंगे। इसी तरह हमें सारी मूली को किस लेना है। मैंने ये मूली सब किस के रख दी है, अब हमें क्या करना है, हमें जो ये मूली है ना उसको एक अच्छे कपड़े में लेके उसका सब पानी निकाल देना है। तो ये मैंने कपड़ा लिया है, एक नेपकिन लिया है, और इसमें मैं रुमाल लिया है, और उसमें मैं ये सारा ये जो मूली का ये कीस है वो मैं इसमें डालती हूँ। इस तरह हमें इसमें से पूरी का मूली का पानी निकाल देना है अच्छी तरह से। हाँ तो आपने देखा मैंने सब मूली का पानी निकाल दिया है, अब हमें इसमें मसाले करने हैं सारे। हमें इसे मूली को खुला कर देना है। अब हम इसमें डालेंगे नमक थोड़ा, मिर्ची पाउडर थोड़ा, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, पाव चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच डालेंगे आमचूर पाउडर, थोड़ी डालेंगे ये कटी हुई मिर्च पाव चम्मच डालेंगे कटा हुआ अदरक, और थोड़ी हींग, ये धनिया कटा हुआ, दो चम्मच धनिया डालेंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मूली का मसाला रेडी हो गया है। हाँ तो चलो हम ये पराठे का आटा गूंद लेते हैं। उसके लिए मैंने एक कटोरी आटा लिया है, हमें डालना है उसमें थोड़ा सा चुटकी भर नमक, तेल, और हमें आटा गूंद लेना है। हमें आटा बहुत नरम नहीं बांधना है, थोड़ा ठीक बांधना है, तो पानी हमें थोड़ा थोड़ा लेके ही डालना है, और आटा अच्छी तरह से गूंद लेना है। हमें इस तरह से आटा गूंद लेना है, और बाद में पराठे बनाने हैं। तो हमारा पराठे का आटा गूंद के तैयार है। अब हम इसमें लेते हैं थोड़ा बेलने के लिए ये आटा। तो हमें पराठा बनाने के लिए इतना इतना गोला लेना जरूरी है। और हमें इसमें भर के पराठा बनाने हैं, इतना ये लेके हमें बंद करके पराठे बनाने हैं। तवा तो हमने पहले से ही गर्म रख दिया है, तो हमारे पराठे फटाफट हो जाएंगे। तो ये
पराठे हमने यहाँ पे डाल दिए हैं, वैसे ही हमें सारे पराठे बनाने हैं। अब हम इस पे डालेंगे तेल। आप तेल में, घी में, बटर में, आपको जो अच्छा लगे उसमें आप पराठे बना सकते हैं। इसी तरह हमें सारे पराठे बनाने हैं। हाँ जी, चलो हमारे मूली के पराठे तैयार है, साथ में चटनी तैयार है, केचप है और दही है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सेव कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।